कि मैंने आपको अभी अपनी मॉम की स्टोरी सुनाई थी, तो जी इसके जी इंसिडेंट के बाद, मतलब ये जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ये है 2018 की। ओके 2016 में मैं वापस काम स्टार्ट कर दिया था दुर्गापुर में। वेस्ट बंगाल का एरिया है और बॉर्डर है बिहार का लगभग। तो मैं दुर्गापुर में, ट्रांसपोर्ट था मेरा, मैं उधर ही संभालता था काम। तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था भोला सिंह, वो गांजा वांजा का धंधा करता था। तो उसी टाइम में उसको पुलिस वाले पकड़ लिए थे, तो उसको डाल दिए थे जेल में। उसके ऊपर केस वगैरह हो गए थे काफ़ी। तो वो लड़का निकलता 1 साल के बाद, 2018 में वो जेल से छूटता है। तो एक चंदन शर्मा नाम का लड़का था जो मेरा पेपर वगैरह बनाता था, ट्रक वगैरह का बिल विल, तो वो लड़का उसी के साथ आता है मेरे रूम पे। तो चंदन बोलता है कि भैया ये लड़का बहुत परेशान है, थोड़ा सा आप इसकी हेल्प करो। तो बोला मैं क्या हेल्प करूंगा भाई। तो बोला कि आप पंडित हो भैया, आप जो है बस अपने साथ रखो, अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, वैसे ही ठीक हो जाएगा। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ रहने से ठीक हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। वो लड़का कम एज का था, जेल वगैरह सब देख के आया था, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई थी। तो उसी लड़के ने मेरे को एक लड़की का नंबर दिया 1-2 हफ्ते के बाद। बोला कि भैया मेरी फ्रेंड है, और उसका नाम निहारिका सिंह था, वो मोस्टली लखनऊ की रहने वाली थी और मैं भी यूपी का था। तो मुझे जब बताया कि भैया लखनऊ की है वो निहारिका सिंह, आप इनसे बात करो, ये बहुत परेशान रहती हैं। तो बोला मैं क्या बात करूंगा भाई लड़की से, प्लस मैं मैरिड था तो मैं वैसे भी पीछे हट रहा था। बोला नहीं यार, मैं लड़की वड़की से बात नहीं करूंगा। बोला प्लीज़ भैया थोड़ा सा देख लो आप, मैंने इसको आपके बारे में बताया कि आप ऐसे हो ऐसे हो। तो यार मैं भगवान थोड़ी ना हूँ यार, मैं तो इंसान हूँ, मैं बताता हूँ कि भाई क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बोलता है जो भी है भैया आप एक बार बात तो कर लो। मैं बोला ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेरा नंबर दे देना, मैं बात कर लूँगा। मेरा नंबर देता है वो, मेरे को लड़की फ़ोन करती है। तो स्टार्टिंग मैंने उसको बताया नहीं कि मैं मैरिड हूँ, और शायद उस लड़के ने भी नहीं बताया था। तो वो मेरे से स्टार्टिंग में बात करती है, 1-2 दिन एकदम नॉर्मली बात करता हूँ मैं, हाँ आधे घंटे 1 घंटे मैं उसको बताता हूँ क्या है क्या नहीं। वो मेरे को अपना स्टोरी बताती है कि क्या हुआ उसके लाइफ में, एक दो लड़कों ने उसको चीट किया, उसके साथ फ्रॉडगिरी किया, बात किया, मस्ती किया, फिर छोड़ दिया उसको। तो वो सब बताती है, ये सबको मैंने झेला है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं कितने लड़कों से बात करूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता अभी लड़कों के पास जाना, लेकिन मैं ऐसे परेशान रहती हूँ, मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर करते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे करो आप, छूट जाएगा सब। फिर ऐसा 1-2-3-4 दिन बीता, तो मैं एक दिन पूजा कर रहा था, उसी टाइम उसका फ़ोन आ गया मेरे पास। तो मेरे पास दो फ़ोन थे, एक से मैं अपने ड्राइवर लोग को अटेंड करता था कॉल, क्योंकि काम के टाइम उन लोगों का फ़ोन बिजी आए तो बेकार लगता है। तो मैं उन फ़ोन से उससे बात करने लगा, और एक फ़ोन से मैं पूजा कर रहा था, तो हनुमान चालीसा नॉर्मली लगाया था, सुन रहा था, ऐसे ही खाना वाना बनाता था खुद से, तो भगवान का कोई भजन लगा के सुनता रहता था। तो मैं उससे बात करना स्टार्ट किया, तो दोपहर का ही टाइम था। तो वो कुछ टाइम के बाद मेरे को बोलती है कि आप गाना बंद कर दो। मैं बोला यार ऐसे ही सुनता रहता हूँ, अच्छा लगता है, करो ना बात करो ना, क्या दिक्कत है। बोली नहीं बंद कर दो आप, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस टाइम तक लड़की से मेरा कोई रिलेशनशिप वाला या ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो अलग हो गया ना, फ्रेंड तो अलग है कि हाँ नॉर्मली बातचीत आदमी करता है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ, मैंने आवाज़ कम कर दिया। फिर भी वो मेरे को बोलती है कि नहीं बंद कर दो आप। बोला क्यों, क्या हो गया, क्या इशू है। तो मेरे को बोलती है नहीं नहीं आप बंद कर दो। जब मैं उसकी बातों को इग्नोर करने लगा, तो मेरे को बोलती है वीडियो कॉल करें क्या, वीडियो कॉल। तो फिर मैं बोला कि अच्छा ठीक है करो, मैं गाना बंद कर दिया, वीडियो कॉल पे 1-2 मिनट बात हुआ, फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो बाद में बात करते हैं, मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैं नोटिस किया नहीं कि आखिर क्यों इसने ऐसा मुझे बोला। फिर 1-2 दिनों के बाद वो उसका पीरियड आता था, तो उसको प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने उससे पूछा नहीं, वो बोलती थी कि मैं अपने नानी के साथ जा रही हूँ कालीबाड़ी, एक मंदिर है बहुत फेमस है, जो दुर्गापुर के लोग अगर होंगे इसमें तो उनको मालूम होगा। दुर्गापुर में एक प्लेस है भिरिंगी, वहाँ पे कालीबाड़ी बोल के मंदिर है, बहुत फेमस है, माता रानी का, काली माता वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे वो जाती थी कोई पंडित जी के पास जड़ी बूटी लेने के लिए, उससे वो बोलती थी कि उसके पीरियड का दर्द जो होता है पेट में वो बहुत कम होता था। बोलती थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं दवा काफ़ी की इसके लिए, नहीं ठीक हो रहा है।
मैं मतलब मरने जैसा हो जाता है कंडीशन। मैं बोला वैसे तो नॉर्मली सभी को दर्द होता है यार, तो बोली कि नहीं मेरा नॉर्मली नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा होता है, तो पंडित जी दवा देते हैं उससे आराम हो रहा है। मैं बोला अच्छा ठीक है, तो बोला ठीक है चलो मंदिर मैं भी आता हूँ। तो मैं अपना नहाया वहाया नाश्ता वगैरह किया, मैं गया मंदिर, तो मैंने वहाँ नोटिस किया उसको कि उसकी नानी दर्शन करने गई, वो लड़की दर्शन करने नहीं गई। तो मैं समझ गया कि हो सकता है कि पीरियड टाइम में नहीं जाती हैं लड़कियां भगवान के पास या जो भी हो, लेकिन अगर आप मंदिर के प्रांगण में हो कैंपस के अंदर, तो कम से कम आप सर तो झुकाओगे ही। हो सकता है कि आप मंदिर के अंदर ना जाओ, लेकिन बाहर से ही उनको प्रणाम तो करोगे ही। तो मैंने ये नोटिस किया, मैंने उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि यार तुमने प्रणाम नहीं किया माता रानी को, कम से कम एटलीस्ट प्रणाम तो करना चाहिए था। तो उसने बोला कि अरे नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं। बोला नहीं फिर भी, तो बोलती है नहीं ऐसे ही ठीक है चल लिए कोई बात नहीं। बोला ठीक है चलो। फिर ऐसा 3 4 दिन और बीता, फिर वही इंसिडेंट सेम हुआ। मैं हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसका फोन आता है, उस दिन वो मेरे को बोलती है, तो मैं जिद पे अड़ जाता हूँ। उस टाइम रात का टाइम था, मैं खाना वाना बना रहा था, रात का टाइम था, 9 10 बज रहा था। मैं बोला नहीं यार तुमको बात करने का है तो करो वरना फोन काटो, भाई तुम्हारी हेल्प करने के लिए बात करता हूँ बोल के कर रहा हूँ, बाकी कोई वैसा मेरा इंटेंस है नहीं। तो बोलती है कर दो बंद कर दो ना आप। मैं बोला नहीं नहीं आपको बात करना नहीं है तो फोन काट दो आप जान दो। तो मेरी वाइफ का भी फोन आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कैसे भी करके फोन कटे इसका, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए फोन कट की। मैं उसी टाइम अपनी वाइफ से बात करना स्टार्ट कर दिया। नेट 1 से 1.5 घंटे बाद 12 1 बजे के नियर अबाउट उसका फोन आया मेरे पास। तो मैं वैसे भी सोच रहा था कि इसको मैं साइड कर दूं, क्योंकि ये मेरे को चिपक रही थी बहुत ज्यादा। तो मैं बोला कि मैं फोन उठाया, बोली कि ऋषभ। मैं बोला हाँ बोलो। तो बोलती है कि बात करे क्या थोड़ा देर, बिजी थे क्या? मैं बोला नहीं बिजी नहीं था, मैं सोने जा रहा था यार, 1 बज रहा है सोऊंगा, सुबह काम है। तो बोली थोड़ा देर बात करते हैं। बोला ठीक है चलो करो। तो जैसे ही बात करना स्टार्ट करता हूँ मैं, वैसे ही ये मेरे को बोलती है कि और ये वो इधर उधर। तो मैं भगवान का टॉपिक छेड़ने लगता हूँ कि ऐसा तुम क्यों करती हो, क्यों हनुमान चालीसा बंद करने के लिए बोलती हो। थोड़ा देर बात करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसकी आवाज़ें आनी बंद हो गई, रिप्लाई करना ही बंद कर दी है टोटली एकदम। तो मैंने एक दो बार हेलो हेलो किया, बोला फ़ोन कट करूँ क्या मैं? तो बोलती है कि तू दिन भर ऐसा क्यों बोलता रहता है? तो टोन चेंज हो गया पूरा तुरंत एकदम। आप मेरे को आप बोलती थी, आप से तुम बोलने लगी, रेरी मारने लगी, और कुछ बंगाली में बोलने लगी। तो मुझे बंगाली उतना प्रॉपर आता नहीं था, तो मैं बोला कि यार ये सब लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है, मेरे से हिंदी में बात करो, और तुम भी तो यूपी की हो, ऐसा थोड़ी ना है तुम तो आता नहीं है। तो मेरे को रेरी मारने लगी। तो मैं उस लड़के को फ़ोन किया जिस लड़के ने मेरी बात करवाई थी उससे, मैं उसको बोला यार मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, ये मेरे को उल्टा सीधा बोल रही है, रेरी मार रही है। तो लड़का बोलता है कि ठीक है आप मेरे को कॉन्फ्रेंस करो। मैं उसको कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो उसको बोलता है कि क्या हो गया निक्की, भैया से ऐसे बात कर रही हो तुम? तो जेन्युइनली दोनों लोग मेरे से छोटे थे, नियर अबाउट 1 2 साल। तो उसको बोलती है कि तू ज्यादा बोल रहा है, गाली देके तू ज्यादा बोल रहा है क्या, आऊं क्या? जब ये बोली कि आऊं क्या, तो मुझे गुस्सा लग गया। तो मैंने उसको गाली देके बोला कि क्या तू आएगी? तो बोल रही है कि तू भी ज्यादा बोल रहा है, हाँ तू बहुत बड़ा पंडित है ना, सबको ठीक करेगा, हाँ तुझे ये है वो है। मैं बोला कि नहीं मैं पंडित नहीं हूँ, मैं नॉर्मली आदमी हूँ, सिर्फ ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, पूजा पाठ तो कराता नहीं हूँ। तो मेरे को बोलती है नहीं, तू बहुत बड़ा भगवान बन रहा है, सबका वो करेगा। बोला नहीं भाई मैं इंसान हूँ, और अगर तुमको बात नहीं करना था तो मत करो, लेकिन ये सब चीज़ें मत बोलो, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। तो मेरे को बोलती है दरवाजा खोल, उसका पहला वर्ड। तो मैं बोला कि मजाक कर रही है क्या, दरवाजा खोल, रात कितना हो रहा है मालूम है टाइम? तो बोल रही है मैं आ रही हूँ, तू दरवाजा तो खोल। तो मैं बोला अच्छा, बोला तू आएगी? तो बोला हाँ खोल दिया, मैं ऐसे ही बेड पे बैठा हूँ, मैं बोला हाँ खोल दिया, आ जा आ जा। तो भाई थोड़े टाइम के बाद बोलती है कि झूठ बोल रहा है, और लड़की वाला लैंग्वेज ही नहीं, पूरा आवाज ही चेंज, लड़की अच्छा हाँ लड़की की आवाज ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको बोला कि मैं खुद को, मतलब मैं उस पूरे घर में अकेले रहता था, तो मैं उसको सुनाने के लिए उस टाइम कुछ नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ खुद को सुना रहा था कि ऋषभ डरो मत, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मैं बोला, मैं उसको गाली दिया माँ की, मैं बोला कि कायदे से बात कर। तो मुझे ऐसा मॉम के साथ भी इंसिडेंट हुआ था, तो कुछ लोगों ने बोला था कि जब ऐसा कंडीशन आवे तो
प्यार से बात नहीं करने का, थोड़ा चढ़ के बात करने का उनसे। मेरा ये जो पंडित जी लोगों के मुंह से सुना था कि उस टाइम डरने का नहीं, अगर आप डरोगे तो तुरंत आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो मैंने उससे चढ़ के बात किया कि कायदे से बोल वरना ठीक नहीं होगा, मैं कल तेरे घर पे आऊंगा। तो मेरे को बोलती है तू अभी मैं अभी आ रही हूँ। मैं बोला दरवाजा वरवाजा खोलेगा नहीं मैं रात में। तो बोलती है कि ठीक है खिड़की के पास में आ जा। और मेरे जस्ट बेड के बगल में खिड़की थी भाई। अब मेरी अच्छा खिड़की खटखट खटखट करने लगी। अब मैं खुद को बोल रहा हूँ खुद को कि नहीं ऋषभ नहीं ऋषभ, हवा चल रहा है कुछ नहीं है, मैं अपने मन में बोल रहा हूँ। और भोला कॉन्फ्रेंस पे है वो लड़का, भोला सिंह, हाँ वो कॉन्फ्रेंस पे, वो मेरे को बोल रहा है भैया फोन काट दो, मेरे को बोल रहा है भैया फोन काट दो। बोला नहीं इसकी सुन लो देखता हूँ क्या है इसको। बोला और बोल ये फिर। कितने बजे की बात है? ये भाई बात करते करते हम लोगों को हो गया था 1:30, 2। हाँ अभी जब खिड़की खटखट खटखट करने लगी तो मतलब मैं अंदर से एकदम डर गया, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था क्योंकि मैं जानता था कि अगर थोड़ा भी मैं वीक पड़ा ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मेरे को सचमुच का दिखने लगेगा। तो मैं सोचा कि नहीं खुद को अंदर से मजबूत करो। क्योंकि मॉम के साथ तो हुआ ही था। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं ऋषभ बैठे रहो बैठे रहो। अब पूरा खिड़की खटखट खटखट कर रही है, अब पूरे घर में मैं अकेले हूँ। तो बगल में एक बंगाली आंटी थी, मैं सोचा उनको बुलाऊं। मैं एक दो बार चिल्लाया भी लेकिन मेरी आवाज या तो फिर गई नहीं या क्या हुआ क्या नहीं। मैं आंटी से सुबह पूछा भी कि आपको मैं बुला रहा था, बोली बेटा कोई आवाज नहीं आया। मैं पूरा चिल्ला रहा हूँ एकदम मतलब पूरी ताकत लगा के चिल्ला रहा हूँ आंटी आंटी। वो मेरे को बोल रही है क्यों डर गया क्या। तो इतने पे वो जो भोला सिंह था वो उसके घर के बगल में ही रहता था, वो बोला कि निक्की अगर तू अपनी आदतें छोड़ेगी नहीं और अगर तुरंत चुप नहीं हुई तो मैं अभी के अभी तेरे घर आऊंगी। इतने पे वो भोला को भी वही चीज बोलती है कि तू मेरे घर पे आएगा रे। और इतने में भोला बोलता है कि भैया 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, मेरा फोन होल्ड पे रख के चला गया। अब भोला दौड़ के मेरे फोन के पास आया, फोन उठाया, मेरे को बोलता है भैया मेरे को माफ करो मेरे से गलती हो गई, निक्की तू मेरे को माफ कर दे। मैं बोला भोला क्या हो गया, फोन कटना नहीं चाहिए, मैं अभी आ जाऊंगा भिरिंगी। मैं थोड़ा दूर पे रहता था उन लोगों से, मैं बोला मैं अभी आऊंगा, मेरे को पूरी बात बता क्या हुआ तू फोन क्यों काट रहा है। तो मेरे को बोलता है भैया ऐसा लग रहा है ऐसे मेरे छत पे कोई पत्थर मार रहा है और मेरा पूरा परिवार जग गया है। अब भैया हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मैं अपने फैमिली को ये भी नहीं बता सकता कि मैं निक्की से बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्योंकि उसके फैमिली वालों को शायद मालूम था ये इंसिडेंट, भोला मुझसे नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ। तो मैं हिम्मत करके बोला भोला बोला कि भैया मैं फोन काटूंगा, आप सुबह मेरे को आके 2 थप्पड़ मार देना लेकिन मैं फोन काट करूंगा। मैं बोला ठीक है तू काट दे चल जा। फिर मैंने खुद को बहुत दम दिया, मैं बोला ठीक है आज देख लेता हूँ क्या होता है। फिर मैं उससे बात करने लगा नॉर्मली। इतने में बज गया था 3:30। मैं उससे पूछने लगा कि बता तेरे को क्या दिक्कत है तू बोल मेरे को। तो मेरे को गाली फक्कड़ दे रही थी तो मैं गाली फक्कड़ को बर्दाश्त करने लगा, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। बोला अच्छा बता कि तुझे दिक्कत क्या है। बोली नहीं तू पंडित है तू ये करेगा वो करेगा, बातचीत करना बंद कर दे इससे। बोला ठीक है मैं बातचीत करना बंद कर दूंगा। अभी तू बता कि क्या प्रॉब्लम क्या है। हाँ तो फिर 3:30 हुआ तो वो लड़की धीरे धीरे करके मेरे को ऐसा लगा कि सोने लगी है, समझ रहे हो आप। बात करते करते आवाज एकदम धीमी होती चली गई उसकी। तो फिर कुछ टाइम के लिए वो बोलना ही बंद कर दी। फिर अचानक से मेरे को बोलती है कि आपका फोन चालू था क्या। तो मैं शॉक्ड हो गया, बोला कि हाँ मेरा फोन तो चालू था। तो बोल रही है कि अच्छा अच्छा आप एक काम करो आप सो जाओ। बोला कि तुम ठीक तो हो। तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मेरे को सुबह फोन की, बोली कि शुक्ला जी कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या रात में, बोला मेरा फोन नहीं उठा रहा है। बोला कि मैं उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ तुमने ऐसा ऐसा मेरे को बोला। तो मेरे को बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी। बोला ऐसा मजाक करोगे यार पागल हो क्या तुम। फिर 1-2 दिन बीता, फिर मेरा मतलब क्यों हुआ मेरे साथ मेरे को मालूम नहीं। हाँ शायद उसी की वजह से मैं आज मुंबई हूँ। उस लड़की ने मेरे को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया 3 साल में। अच्छा हाँ मैं अभी बता रहा हूँ कैसे किया उसने। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं मैरिड हूँ यार, और जो है मैं आपकी मदद करने के लिए आपसे बात करता था, और आपने ऐसा ऐसा इंसिडेंट कल रात को किया तो अब मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। सेकेंड तो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं है जैसा आपको सही लगे। मैं बोला ठीक है। सेकेंड डे रात में वो मेरे को कॉल करती है और मेरे से हाथ जोड़ के बोलती है कि आप मेरे से बात करो प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज़ मेरे को मत छोड़ो।
तो मैं बोलता हूँ छोड़ो मतलब मैं आपको पकड़ा ही कब। तो बोलती है प्लीज जो भी है आप बात करने का, आप जो बोलो मैं कर दूँ, लेकिन आप मेरे से बात करो। मैं बोला ठीक है, मैं बात किया। उसका रोज का वही था, 1-2 घंटे के लिए वो उल्टा सीधा बोलती और फिर वो नॉर्मल हो जाती। फिर ऐसा करते 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 2-3 दिन बीता। तो मैं उसको बोला कि काम करो तुम, कालीबाड़ी आओ और मैं भी आ रहा हूँ, वहीं पे एक दूसरे से मिलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने दिमाग में दूसरा चीज बना लिया हूँ कि इसको कालीबाड़ी दर्शन करवाने का ही है आज। और मालूम नहीं क्यों मेरे को बात करते करते 15-20 दिन हुआ था, तो वाइफ के होने के बाद भी मैं अपनी वाइफ को इग्नोर करने लगा था, क्यों मुझे पता नहीं। और इतना सब कुछ उसका देख लिया था, उसके बावजूद उससे मुझे क्यों लगाव हुआ ये भी मुझे पता नहीं, मुझे उससे लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम आओ कालीबाड़ी। उस टाइम मेरे पास बालाजी का भभूत था, क्योंकि मम्मी के इंसिडेंट के बाद हम लोग बालाजी का भभूत रखते थे पास में। और मिर्जापुर में एक विंध्याचल विंध्यवासिनी माँ का धाम है, वहाँ पे भैरव बाबा हैं, उनका भी भभूत हम लोग पर्स में रखते हैं, लगभग मेरे गाँव के हर लड़के रखते हैं। तो मैं रखा था, तो मैं उसको दिया, मैं बोला कि इसको आप पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीना। तो उस टाइम उसने रख लिया, मना नहीं किया, बोला चलो दर्शन करते हैं। तो बोली भगवान में भरोसा ही नहीं है मेरा। मैं बोला क्यों, तो बोलती है नहीं भरोसा नहीं है मेरा। मैं बोला ठीक है चलो जान दो, प्रेशर नहीं करेंगे। मैं जानता था अगर उधर प्रेशर करूंगा तो वो चिल्लाएगी और पब्लिक है तो ऑट लगेगा। मैं बोला ठीक है चलो कोई नहीं जाओ। ठीक, वो अपने घर निकल गई। फिर मैं आया तो भभूत लेना शायद शुरू की कि नहीं की मालूम नहीं मेरे को। फिर 2-3 दिन बीतता है तो मेरे को भोला आके बोलता कि भैया निक्की के घर के साइड मत जाना। मैं बोला क्यों, बोला कुछ इशू हुआ है उसके घर के साइड, आप मत जाना, आपसे बातचीत होता है, 1-2 लोगों को मालूम पड़ा है इसके बारे में कि आपसे उसकी बातचीत होती है, और उसके मम्मी पापा पूछ रहे थे कि कोई पंडित है क्या जिससे वो बात करती है, क्योंकि तो दुर्गापुर साइड मोस्टली पंडित नहीं मिलते हैं देखने को। और मैं मत्थे पे 3 फुट का चंदन वंदन मार के निकलता था भाई, पीछे चुंदी उन्दी रखा था बहुत लंबी। तो मैं धीरे धीरे करके गया रजनीगंधा खाने के बहाने, चलता हूँ देखता हूँ रजनीगंधा खा के देखता हूँ क्या हुआ है। तो मैं देखता हूँ भाई कि उसका जो घर था ना, विवेक नाम का लड़का था, उसके मामा का लड़का है, उसके साथ मैं गया तो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाया बंदा, पूरे घर में कलमा लिखा हुआ था, मतलब अच्छा हाँ पूरा उर्दू। तो ये इंसिडेंट मैं देखा, सेकंड डे मैंने जब उससे बात किया तो बोला निक्की फोन नहीं किया तुमने, बोली कुछ प्रॉब्लम हो गया था घर में इसकी वजह से। तो मैंने उसको ये जाहिर नहीं किया कि मेरे को ये सब मालूम है, बोला अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो मैंने उससे पूछा निक्की से, बोला प्यार से निक्की बताओ आप कि तुमको क्या है, कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ। तो उसने मेरे को बताया कि वो आसनसोल रहती थी, 3-4 साल पहले आसनसोल गई गई थी, तो आसनसोल में उसको कोई मुस्लिम का था मीनार वगैरह जो भी, तो मेले में जा रही थी वहाँ पे उसने बाथरूम किया था, थोड़ा गांव टाइप का एरिया है, तो वहीं से उसको वो सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो स्टार्टिंग में घर वाले बोले कि कुछ नहीं है ये नौटंकी कर रही है, मतलब वो बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर रहता था उसका, तो घर वाले बोले कि ये सब बॉयफ्रेंड से बात करेगी दिन भर, पागल हो चुकी है, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, बाकी इसको कुछ भी नहीं है। फिर एक्स्ट्रा होने लगा तो घर वालों ने 1-2 मस्जिद वगैरह में उसको दिखाया, लेकिन उसको आराम नहीं हुआ। फिर उसने मेरे को बताया कि मेरे को होता क्या है एक्चुअली उसके साथ, मतलब उसकी पहले वो बोलती थी कि मतलब मेरे को उसको लगता था कि रात के टाइम कि जैसे उसके पास कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और ये चीज़ वो किसी से नहीं बताती थी, किसी से नहीं मतलब किसी से नहीं, उसको बोलती थी कि मम्मी पापा को बोलती हूँ तो उनको बोलते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो, मैं आपको बता नहीं सकती, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, आपको बताऊंगी तो आपको कैसा लगेगा, मेरे को डर लगता था कि आप मेरे को छोड़ दोगे, या जो भी लड़का मैं अगर उसको ये चीज़ बताऊंगी तो मेरे को छोड़ देगा कि इसको भूत प्रेत आता है। तो मैं बोला कि नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है, तुम मेरे को बताओ एकदम दिल खोल के। तो मेरे को बोल दी कि मतलब बहुत ही अलग चीज़ है, भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके हिसाब से जैसा उसने मेरे को बताया, मेरे को बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई सोया हुआ है, और उसके चेहरे पे पूरा कटा हुआ है एक साइड, पूरा बाल आगे बिखरा हुआ है, वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है सामने वाला, कुर्ता कुर्ता टाइप में, और मेरे साथ सेक्स कर रहा है। हाँ जो उसने मुझे बताया। तो बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि चादर वगैरह टांगा रहता है तो अंधेरा रहता है तो लगता है कोई खड़ा है,
लाइट चालू करके देखो तो चद्दर रहता है, बोलती है नहीं मेरे अच्छा, साथ। ये अगर भोला जैसे इतना क्लोज था तो भोला ने दीवारें वगैरह नहीं देखी उसके घर पे ने? नहीं, भोला उस साइड गया ही नहीं। जिस दिन भोला की घर पे ये सब हल्ला गुल्ला हुआ ना, खटखट खटखट, उस दिन भोला उसका पिकअप, उसका फोन ही उठाना बंद कर दिया। वो मेरे को खुद बोलता था कि आप भी बात बंद कर दो, आप क्यों बात कर रहे हो ऐसी लड़की से। वो बोलता था कि आप अच्छा भाभी को चीट कर रहे हो अब, क्योंकि भोला को भी ये चीज मालूम पड़ गया कि मेरा उससे लगाव हो रहा है। भोला मेरे को बोला कि आप भाभी को चीट कर रहे हो, मुझे लगा था कि आप उसकी हेल्प करोगे, आप खुद उसके चक्कर में पड़ गए हो, दिन दिन भर आप उससे बात कर रहे हो, ये सब छोड़ो भैया। लेकिन मैं सबसे झूठ बोल के उससे बात करने लगा, भोला का भी मैंने एक प्रकार से साथ छोड़ दिया, मैंने भोला को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, साइड कर दिया उसको। उस लड़की से मेरा इतना लगाव हो गया, तो फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसा मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई सेक्स कर रहा है। तो मैं बोला कि मम्मी मम्मी को बताओ इसके बारे में, सीरियस होके बताओ, बोलो कि मम्मी मेरे से अब कोई गलती नहीं होगी, मैं किसी लड़के से बात नहीं करूंगी, मेरा फोन रख लो आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब मैं किसको बताऊं, मेरे को तकलीफ होती है इन सब चीजों से। तो वो रोने लगी, मतलब एकदम, मैंने वीडियो कॉल किया, मैंने उसका चेहरा देखा, मतलब मेरे को इतना ज्यादा तरस आया उसके ऊपर कि मतलब मैं क्या कर दूं इसके लिए, इन्हीं सब चीजों के। फिर मैं उसको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, एकदम परेशान मत हो, पूरी पूरी रात तुमको बात करना, मैं पूरी पूरी रात बात करूंगा तुमसे। फिर अच्छा मैंने वहीं से उसको धीरे 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 करके भगवान के प्रति उसको धीरे, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बताता, वो चिल्लाने लगती तो मैं चुप हो जाता, इधर उधर बात को घुमा देता। अच्छा फिर मतलब चिल्लाने कैसे, मतलब क्या रिएक्ट करती थी? वो उसका रिएक्शन यही रहता था, जैसे मैं, हाँ मतलब उसका रिएक्शन यही रहता था चिल्लाना कि बंद करो इसको, टॉपिक चेंज करो, किसी और टॉपिक पे बात अच्छा करो, अगर मैं उसको नहीं बदलता तो गाली फक्कड़ देना, और वही खिड़की दरवाजा मैंने आपको बताया, हाँ सब चिल्लाने की ये होगा वो होगा, दरवाजा खोल आ रही हूँ मैं। तो मैं मतलब एक अटैचमेंट की वजह से मैं बोल झेलता रहता, आप बोलो कि मैं झेलता रहता, हिम्मत करके बैठा रहता, उसका फोन काटता नहीं, मैं उसको समझाता रहता, बंद कर देता, हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर देता, अगर मैं पढ़ता रहता तो मैं वो बंद कर देता। और मुझे था कि मतलब यार मैं इसको लेके कहीं जा भी नहीं सकता, ये दूसरे के घर की लड़की है, ये भी नहीं है कि किसी मंदिर वंदिर में लेके चला जाऊं, इसके मम्मी पापा कहीं इसको लेके जा नहीं रहे, मैं इसके लिए क्या करूं। फिर इन सब चीज़ों से लेके मैंने अपने पंडित जी से बात किया, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं यार, इसका कोई इलाज नहीं है, अगर वो लोग खुद नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे लगा कि यार कम से कम अगर इसको इस चीज़ से तसल्ली मिलती है, बोलती थी कि मतलब रात में मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को लगता है मेरा कोई बुप्स दबा रहा है और मेरे साथ सेक्स कर रहा है, तो मुझे नींद नहीं आती है रिसब, और मेरे मम्मी पापा भरोसा नहीं करते हैं, एक सहारा है कि हाँ तुमसे बात होता है तो रात निकल जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को होते होते फिर अचानक से एक दिन वो लड़की भोला को फ़ोन करती है, भोला उसको फ़ोन पिकअप नहीं करता। ये सब होते होते कितना दिन निकल गया, 6-7 महीने, और मैं अच्छा आपको बताऊं मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था, और 2019 में वो भोला को मैसेज करती है कि मैं तेरे भैया को बर्बाद कर दूंगी, अच्छा हाँ मैं तेरे भैया को बर्बाद कर दूंगी। तो भोला मुझे मैसेज करता, उस टाइम मैं गांव आया था, होली का टाइम था, बोला मेरे को मैसेज करता कि भैया मेरे को फोन करो, मैं फोन किया उसको, मेरे को बोलता है भैया मेरे को ऐसा ऐसा बोली, कोई झगड़ा हुआ है क्या? बोला मालूम नहीं यार, गांव आया हूँ तो वाइफ के पास हूँ हो सकता है उसको जलन वगैरह हो, क्योंकि तो उसको मालूम तो है कि मेरी शादी हुई है, और सीधी सी बात है भाई वाइफ के पास हूँ तो थोड़ा रिएक्ट करेगी। तो मेरे को बोलता है भैया कि आप अगर उससे बात करना बंद कर दो तो अच्छा है, क्योंकि वो पनौती है, वो जिस जिस के पास गई है मतलब उसके रास्ते लग गए भैया। अच्छा तो मैं बोला अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बहुत झेला हूँ ये सब, मैंने अपना डायलॉग मारा उसको। तो बोलता है कि ठीक है भैया आप देख लो, आप तो ज़्यादा समझदार हो मेरे से, मैं क्या बोलूँ। बोला ठीक है छोड़ो। ये सब इंसिडेंट होते होते 2020 आते आते मेरा ये कंडीशन हो गया कि मैं उस लड़की के लिए अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया, अच्छा मैं अपने परिवार वालों को इग्नोर करने लगा, और उस लड़की के घर में सबको मालूम पड़ गया, मेरे गांव के लड़कों को सबको मालूम पड़ गया कि मैं किसी और लड़की के चक्कर में हूँ, मेरे चाचा लोग को मालूम पड़ गया, मेरे पापा बोले कि दुर्गापुर छोड़ो तुम,
तुम आओ गांव। मैं सबको बोल दिया कि तुमको काम धंधा मेरे को देना है तो दो, नहीं देना तो अपना धंधा अपने पास रखो, लेकिन मैं दुर्गापुर छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा, ये सब होते होते मेरी बीवी ने एक दिन मेरे को फोन किया। उस लड़की ने डायरेक्ट मेरी बीवी को और मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ले लिया डायरेक्ट। अच्छा और मेरी बीवी बहुत सीधी है यार, बहुत सीधी है। तो मैं मतलब बेबस था, मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। तो मेरी बीवी को कॉन्फ्रेंस करके वो बोलती कि मैं जा रही हूँ ऋषभ के साथ शादी करने। और अच्छा मेरी बीवी को उसने गाली फक्कड़ दिया। और उस टाइम मैं इतना ज्यादा उसके लिए पागल हो गया था कि मैं सुन रहा था, मेरी बीवी को गाली दे रही थी, मैं सुन रहा था। अभी क्यों मुझे पता नहीं, जितने लोग सुन रहे होंगे बोल रहे होंगे कि साला लड़की के चक्कर में पागल हो गया था, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पहले भी गर्लफ्रेंड थी बहुत सारी, और मैं चाहता तो मैं और भी बना सकता था। अगर मतलब मुझे इन सब चीजों का शौक होता तो मैं और भी बना सकता था, लेकिन मालूम नहीं कि उससे मेरा क्या लगाव था या क्या हुआ। तो उसने मेरे को कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्ट मेरी बीवी को सुनाया ये सब चीजें। लेकिन एक चीज उसके बाद ये चेंज हुआ कि मैं उसको बोला कि ठीक है, तो मेरी बीवी को कॉन्फ्रेंस करके बोली कि शादी वादी करने जा रहे हैं। मेरी बीवी मेरे को बोलती है कि ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है उससे बात करना तो आप ये मत सोचो कि मैं आपके घर में बवाल करूंगी, आपके मम्मी पापा को कुछ मैं बताऊंगी, आप करो बात, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मेरे अंदर दम ही नहीं है तो फिर आप कर लो उससे, ठीक है, अच्छी बात है। तो बोला ठीक है, मैं सब सुन के फोन काट दिया। उसके बाद ना मैं मेंटली प्रेशराइज रहने लगा। जो मैं एकदम फ्री माइंड था, मैं दूसरों को दिमाग देता था कि फ्री माइंड रहो, रिलैक्स रहो, सब कुछ अच्छा होगा, मैं खुद प्रेशर में रहने लगा। मेरा हर तरफ से नुकसान होने लगा। और वो इस दौरान जब ये सब टाइम चल रहा था, वो एकदम मेरे से चिपक गई। मतलब रोज के रोज मुझे बुलाना, रोज के रोज मुझसे मिलना, रोज के रोज सेक्स करना, ये सब चीजें चलने लगे। अब वो इसी दौरान में उसके भाई को पता चला, उसका भाई थोड़ा नशेड़ी टाइप में है, थोड़ा वो लोग पैसे वाले हैं, गरीब नहीं है, अच्छे खासे हैं। उसके भाई ने उसको भेज दिया उसके मामा के घर आसनसोल रिटर्न। और अपने मामा के घर कब गई आपको? जब उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था 6-7 साल पहले, उसके बाद वो सेकेंड टाइम अपने मामा के घर गई 2019 में। 2019 में अपने मामा के घर जाती है। तो मैं उससे मिलने के लिए रात को 12 बजे तक काम करता था ट्रांसपोर्ट का, सब गाड़ियां मेरी 12 बजे तक निकलती थी। 12 बजे रात को रूम पे आता था, खाना खाता था, और दुर्गापुर से आसनसोल 80 किलोमीटर, और आसनसोल के सीतारामपुर एरिया में वो रहती है। वो आप एरिया कभी भी गूगल पे डालोगे, वो पूरा जंगल एरिया है, और उसी के जस्ट पीछे काली पहाड़ी बोल के एक जगह है जो कि पूरे बंगाल में फेमस है, काला जादू के नाम से। मैं वहाँ पे काला जादू होता है काली पहाड़ी में, वो एरिया में मैं उससे मिलने जाता था। और उसी दौरान वो मेरे को बोलती है एक दिन मिलके मैं निकलता हूँ उसके मामा के घर में। वो चोरी से मिलते थे मेरे से, छुपके 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 दरवाजा खोलती थी, मैं अंदर जाता था, मिलते थे हम लोग बाथरूम में या कहीं भी रूम में। फिर मिलके मैं जब जाने लगता था तो मेरे को एक दिन बोलती है कि मेरी नानी की ननद थी वो खत्म हो गई थी, वो तुम्हारे साथ जा रही है। मतलब 1 साल बाद, 1 साल तक वो एकदम ठीक थी, मेरे से अच्छे से बात करती थी। फिर वो अचानक से जब साधना वादना का मैटर हो गया, मेरी वाइफ को उसने बोल दिया। उसके बाद काफी बार मैं उसके मामा के घर गया मिलने, लेकिन कभी कुछ नहीं, मिलते थे जुलते थे। फिर रिटर्निंग में मैं उससे बात करते करते रिटर्न आता था, 3-4 बजे सुबह तक मैं दुर्गापुर पहुंचता था। एक दिन वो अचानक से, मैं जैसे ही उसके मामा के घर से निकलता हूँ, मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ, जंगल एरिया है, मैं अपनी बाइक वहीं पे खड़ी कर देता था अंधेरे में। उस दिन मेरे साथ लग बाई चांस कोई था नहीं, मैं हमेशा किसी ना किसी को लेके जाता था बाइक के पास रहने के लिए कि मैं जाऊंगा उससे मिलने, तुम बाइक के पास रहना, मैं आधे 1 घंटे में मिल के आ जाऊंगा। उस दिन मैं किसी को लेके गया नहीं था। तो बोलती है कि मेरी नानी है, उनकी जो ननद थी वो तुम्हारे साथ जा रही है। तो मैं बोला कि साथ जा रही है मतलब? तो बोलती है कि साथ में जा रही है ना तुम्हारे। अब भाई मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बाइक के पीछे देख सकूं। मतलब मेरे को मालूम तो था इसके साथ ये सब होता है, लेकिन मेरी एकदम हालत मेरी एकदम खराब हो गई। मतलब ना गाड़ी भगा पा रहा हूँ, ना गाड़ी स्लो चला पा रहा हूँ, ना रोड पे कोई दिख रहा है 3-4 बजे। मेरा वो हाल हुआ, मैं मतलब एकदम पूरा मन में बालाजी महाराज, बालाजी महाराज मेरे को बचा लो आज, कैसे भी करके दुर्गापुर पहुंचा दो मेरे को आज। अब मैं उसको फोन पे बोले जा रहा हूँ, निक्की मत बोले ऐसा यार, डरा मत यार, जान दे मेरे को।
अकेले हूँ निक्की, समझ यार बहुत दूर है। लेकिन वो बोल रही है, ऋषभ मैं तो मतलब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैं तुमको बोल रही हूँ कि बुआ है तुम्हारे पीछे बैठी हुई है। अब मतलब कैसे कैसे करके मैं उस दिन आया था दुर्गापुर, मैं ही जानता हूँ। फिर सेकेंड डे, जिस दिन ये हुआ उसके सेकेंड डे मेरे चाचा मुझे कॉल करते कि पूरी रात गाड़ी खड़ी थी, उस दिन पूरी रात गाड़ी खड़ी हो गई, मैं गाड़ी छोड़ने के लिए गया ही नहीं, मेरी इतना इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं रूम पे से निकल के दोबारा जाऊँ गाड़ी छोड़ूँ हाईवे पे, सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई। मॉर्निंग में मेरे चाचा मेरे को कॉल करते, बोलते पूरी रात गाड़ी खड़ी थी, तुम कहाँ थे? ड्राइवर बोल रहा है कि तुम आसनसोल थे। बोला नहीं चाचा, मेरी तबीयत खराब थी, मैं रूम पे सो रहा था, अभी उठाऊँ मैं जा रहा हूँ गाड़ी छोड़ दूंगा। मैं ड्राइवर के पास पहुंचता हूँ, बिना मतलब का मैं उससे झगड़ा कर लेता हूँ, गाली फक्कड़ देता हूँ, थप्पड़ मारता हूँ। ड्राइवर फोन करता है चाचा को कि मतलब ऐसा काम करना है तो फिर मत करो काम, आपका बेटा मेरे को मार रहा है बिना मतलब का। चाचा मुझे फोन करते हैं कि धंधे में मारोगे पीटोगे तो धंधा कैसे चलेगा? तो मैं बोला ऐसा धंधा मेरे को करना ही नहीं है, डाल लो आप जिधर भी डालना है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मैंने अपने चाचा पापा से किसी से इतनी बदतमीजी से बात की थी। अच्छा, हाँ और ये कौन से सन की बात है ऋषभ भाई? ये सब तो मतलब भाई ये सब कांड होते होते 2020 लग गया था। अच्छा। फिर 2020 में कोरोना आया, मैं एक साल पूरा अपने गांव रुक गया, वो एक साल लड़की पूरा तांडव करती रही मेरे सर पे, अब आओ कल आओ परसों आओ। अच्छा, और और आप कुछ आपके घर पे ही रह रहे थे? हाँ मैं अपने गांव में रहता था। अब उस टाइम मेरी बीवी पहले तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उस टाइम प्रेशराइज करने लगी, क्योंकि मैं जैसे ही 12 बजता था मेरी बीवी की आंख लगती थी मैं तुरंत फोन लेके छत पे चला जाता था उससे बात करने के लिए, पूरी पूरी रात बात करता था। और बीवी को अच्छे से मालूम था बात कर रहे वो, तो कभी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन यार कौन कितना बर्दाश्त करेगा। सही सही। तो कभी कभी आके मेरे से झगड़ा कर लेती थी कि मैं क्या करूं, और मेरा एक बेटा भी था यार, तो शायद वो कुछ कर लेती लेकिन शायद बेटे की वजह से नहीं किया उसने। तो मेरे को बोलती थी एक बेटा है वरना तो मैं मर जाती, आपको उसी के साथ छोड़ देती, आप खुश रहो। तो मैं उसको बोलता था यार ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एक दो बार मुझे रियलाइज भी हुआ कि यार अब गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके जाल से निकल ही नहीं पा रहा था। अच्छा इस टाइम में उसने मेरे को एक बात भी बताई थी कि उसकी नानी या मौसी कोई एक ऐसा था जो ये सब करता था काला जादू वगैरह। तो बंगाल में अक्सर ऐसा होता है कि जिनको लगता है कि बेटियों का कुछ कल्याण नहीं होने वाला है तो ऐसे लड़कों को फंसा लेती हैं, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, मैंने भी सुना है ऐसा। ऐसे लड़कों को फंसा के उसके साथ उनकी शादी वादी करवा देती हैं वो लोग। तो मेरे को ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि भाई यूपी में ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरा बाप खुद मेरे को जान से मार देगा, वो सीधा बोलेगा कि तेरी बीवी और तेरे बच्चे को मैं देख लूंगा, तू जा तेरा काम ही नहीं है मेरे घर पे। तो ये सब जब होने लगा तो मैं 2020 का पूरा गांव निकाल दिया, मैं बोला एक साल मैं गांव रहूंगा इससे मेरा पीछा छूटेगा। लेकिन कहाँ से छूटेगा, फोन पे तो चिपका ही हूँ मैं उसके साथ। अब वो मेरे को टॉर्चर करते करते अक्टूबर में बुलाती है गांव से दुर्गापुर। और ये जो आप वीडियो कॉल वगैरह करते थे तो एकदम नॉर्मल दिखती थी क्या? नहीं, वो जब इंसिडेंट होता था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसके चेहरे का हाव भाव कलर, जो फेस का कलर था वो थोड़ी सांवली थी, मतलब बोल दो तो आप गेहुआ कलर, ऐसा नॉर्मली इंडियन लोगों का होता है, लेकिन उसके चेहरे का कलर पूरा रेड पड़ जाता था। और एक लाइन ऐसा दाहिने आंख से लेके एक लाइन ऐसा नाक से होते हुए पूरा फेस तक, मतलब चिक तक, बाएं साइड के चिक तक पूरा काला अच्छा, कलर का लाइन आ जाता था, जैसा उसने उस लड़के का हुलिया बताया था मेरे को कि हाँ मेरे साथ वैसे ही कटा करना है। हुआ हाँ निशान। वैसा कटा हुआ, बस फर्क इतना कि कोई गहरा वहरा नहीं, हल्का रेड है फेस। हाँ तो कभी कभी मुझे लगता था कि हो सकता है इतना ज्यादा चिल्लाती है, मतलब जरूरत से ज्यादा चिल्लाती थी उस टाइम पे इसकी वजह से, लेकिन वो कटा तो फिर मैं ज्यादा नोटिस भी नहीं करता था, पागलपन था उसका जो भी था। तो फिर इन सब दौरान में मैं 2021 के पहले, हाँ 2020 में मैं अक्टूबर में गया दुर्गापुर वापस, पूरा लॉकडाउन निकाल के, लॉकडाउन खुला तो फिर मैं गया दुर्गापुर। उसी टाइम उसने मेरे को बोला कि एक काम करो अपना रूम चेंज कर लो और चेंज करके आ जाओ, मैं भी अपने मामा के घर से आ जाऊंगी, एकदम टेंशन फ्री रहो, और ज़्यादा कुछ होएगा तो बिक्की भैया को बोल देना कि ये सब फालतू की अफवाह है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं बोला ठीक है चलो देख लेंगे, और ज़्यादा होएगा तो तुम्हारी बिक्की भैया को भी देख लेंगे, ऐसा मजाक में मैंने बोला।
और मैं अपना रूम वूम चेंज करके उसके पास पहुंच गया। जब भी मैं उसके घर के बाजू में पहुंचा तो हकीकत में मुझे पूरी ओरिजिनलिटी उसकी मालूम पड़ी। फोन पे तो मुझे बहुत कम ही मालूम था, जो वो मुझे नॉर्मली दिखाती थी 2-4 घंटे, कि वही रात का 3-4 घंटे बात करता था, 1-2 घंटे सुबह में बात कर लेता था, बस उतना ही मालूम था। जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो उसके मोहल्ले वाले, घर के आजू बाजू वाले, उसके घर वाले नहीं लेकिन उसके घर के आजू बाजू वाले सब मेरे को उसकी कहानी धीरे धीरे करके बताने लगे, और मैं अनजान भर के सुनता था जैसे मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। कोई बताता था कि अपने मामा को उठा के फेंक दी, कोई बोलता था अपने भाई के पास चिपक जाती है। तो जब मैंने ये सब सुना तो मुझे बहुत धक्का लगा, तो मैंने उसको डायरेक्ट पूछा कि तुमने अपने भाई के साथ ऐसा कुछ किया क्या? तो बोलती है, नहीं यार पागल हो क्या तुम, अरे ऐसा कुछ करना होगा तो तुम हो मेरे लिए, काफी हो, या मैं दूसरे लड़के को देख लूंगी, कोई अपने भाई के साथ करता है क्या? लेकिन लोगों ने बताया कि जब उसके ऊपर सवारी आती थी उस लड़के की, तो मतलब वो ऐसे ऐसे काम करवाता था कि जिसकी वजह से उस लड़की को उसके माँ बाप भी देखना पसंद ना करें। और शायद यही रीजन था कि उसके माँ बाप ने मतलब उसका दवा कराना बंद करवा दिया, उसको कहीं दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कांड करती थी वो, मतलब उसको कोई देखे ना। और जब वो उसके ऊपर से चला जाता था तो वो ऐसी बन जाती थी कि इससे ज्यादा सीधा साधा कोई है ही नहीं, मतलब अच्छा हाँ कार्टून की तरह सिंचन बन के डांस करना, डोरेमोन सिंचन इन्हीं सब की बात करना, नॉर्मल लड़की 18 साल, मुझे मुझे लग रहा है मुश्किल से 20 साल की होगी, 1998 की उसका पैदाइश है। फिर इन्हीं सब दौरान में सब चल रहा था, फिर वो एक दिन मेरे सिस्टर को फोन करती है, नंबर वंबर निकाल के कहीं से, शायद मेरी बीवी से मांगी, मेरे भाई से मांगी, मेरे गांव के लड़कों से मांगी, या सोशल अकाउंट से निकाली, पता नहीं। मेरे सिस्टर को कॉल करती, मेरे सिस्टर को उसने गाली फक्कड़ दिया उल्टा सीधा। तो जब ये होता है तो फिर मतलब वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उसको गाली दिया, मैंने उसके बाप को डायरेक्ट फ़ोन किया, मैंने उसके बाप को गाली दिया। और जब वो मेरे को फ़ोन की कि मेरे पापा को गाली दे रहा, तो बोला तुमने भी तो मेरी बहन को गाली दिया ना यार, अब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तुमने मेरी बीबी को बोला मैं बर्दाश्त किया, तुमने मेरे घर पे सबको मालूम करवा दिया कि हाँ तुमसे मेरी बात होती है, मेरे को बर्दाश्त किया सब, अब भाई बारी तुम्हारी है, अब यही सेम डिट्टो चीज़ मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, देखता हूँ मैं तुम बर्दाश्त करोगी। तो फिर मेरे को बोली कि ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं, बातचीत करना बंद हो गया। हफ्ते भर बाद मैं रह नहीं पाया उसके लिए, मतलब एक एक साल मेरा बात नहीं होगा, तो मैं ऐसा था कि मैं एक एक साल बात ना करूँ तो मैं चल जाए काम। मैं एक हफ्ते बाद उसको फोन करता हूँ तो बोलती है क्या हो गया ऋषभ, क्या हो गया, तुम तो ऋषभ शुक्ला हो, ऐसा मेरे को ताव देती है, अच्छा हाँ तुम तो ऋषभ शुक्ला हो, तुम्हारे लिए तो सब चीज पॉसिबल है, क्यों आए हो? तो मैं बोलता हूँ अरे ऐसे ही देखने का मन किया कि क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो बोलती मेरा तो एकदम ठीक है, तुम अपना देख लो अब। बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो बोलती हाँ। बोला ठीक है कोई नहीं, मैंने फोन कट किया। 1-2 घंटे बाद फिर से उसका फोन आया कि यार पापा थे इसीलिए मैंने ऐसा बोला। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर वही सब कांड दोबारा तिबारा, मतलब लास्ट टाइम आते आते ये हाल हो गया कि उसने मेरे फैमिली में मेरी वैल्यू जीरो कर दी और वो अपने फैमिली में हीरो बन गई। अच्छा हाँ अपने फैमिली में हीरो बन गई, मतलब उसका उल्टा हो गया, आज उसकी जगह पे मैं हूँ, और जो कंडीशन मेरा था, जैसा मैं एकदम टेंशन फ्री होके लाइफ जीता था, उस कंडीशन पे वो है, मतलब किशन है केशु, आप उससे पूछोगे मैं एकदम मतलब हकीकत में उसने जैसा बोला था ना बर्बाद कर दूंगी, डिट्टो वही हुआ। और फिर अभी अभी मतलब फाइनली हुआ क्या उसका, वो उससे बातचीत आपकी बंद हो हाँ 2021 में बातचीत बंद हुई मेरी भाई, 7 मई को लास्ट बार गई? बात किया मैंने उससे अपनी बीवी को सामने रख के, क्योंकि मुझे एक साइड तो क्लियर करना ही था, क्योंकि उसने ऐसा हाल कर दिया था ना कि अब ना मैं इधर का हुआ ना उधर का, समझ रहे हो आप, कि बीवी कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है वो सही अपने सही मायके नहीं जाएगी, डिवोर्स नहीं देगी, लेकिन अंदर से वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी कभी नहीं। कभी तो एक साइड से मैं क्लियर करने के लिए मैंने डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस किया उसको, मैं आया 2021 में नहीं। गांव, मैंने कॉन्फ्रेंस किया उसको, और मैं उसको बोला कि मैं अब दुर्गापुर कभी नहीं आऊँगा,
मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैं तेरे से बात किया था, मैं दुर्गापुर छोड़ रहा हूँ। वैसे भी मेरे फैमिली वाले मेरे को बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, मैं दुर्गापुर छोड़ रहा हूँ, तो मेरे को बोलती है हाँ एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे बात करती है मेरी बीवी से, मेरे से, उससे, सबसे। मेरी वो उसको मेरी बीवी से माफ़ी मांगती है कि मेरे को माफ़ी कर दे, मेरे से गलती हो गई। तो मेरी भी बोलती है अब क्या, चलो ठीक है, चलो जो भी है, चलो अब मत करना फोन। हाँ तो फिर ये सब कांड हुआ, सब झोल झमेटा। फिर भाई मैंने 1 साल मैं गांव में ही रहा, निकला ही नहीं। नेक्स्ट अब मैं बाहर आया हूँ 2022 में। अच्छा, और अब भाई थोड़ा सा पर्सनल पूछ रहा हूँ कि घर पे हालत वगैरह सही है? आप भी तो भाई, मतलब 1 साल तो मैं पागल हो चुका था पूरा, मैं किसी से मिलता ही नहीं था। केशु वगैरह सब गांव आए थे 2021 में, मैं किसी से मिला ही नहीं। मेंटली रूप से मैं पागल हो चुका था। मैंने खुद को 1 साल बंद किया, अब जाके मैं थोड़ा बहुत ठीक हो रहा हूँ। भाई मेरी मेरी आपसे मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि आप जैसे केशु चला रहा है वैसे ही आप सोशल मीडिया अकाउंट थोड़ा अपना एक्टिव कर लीजिए। जी आप जी 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 दिन भर या अपना टाइम जो खाली समय है उसको यहाँ पर दीजिए। इंटरनेट पे काफी एंटरटेनिंग चीजें होती है, तो आप देखते रहेंगे और धीरे धीरे आपके दिमाग से भी वो सब बातें निकल हाँ जाएंगी। जी एंड जी जी होप बिल्कुल बिल्कुल, होप कि आपकी फैमिली में वापस से सब बेटर हो जाए, जो हो गया हो हाँ गया। जी 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 तो बस वही है कि आपकी फैमिली में एक बार वापस से सब बेटर हो जाए। तो आप यही कोशिश करिए भाई, जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना ही जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। हाँ रिकवर हो जाएंगे जी। और बाकी बहुत धन्यवाद भाई पूरी बात हमसे शेयर करने के लिए। जी और ये जो भोला था उसका क्या हुआ, मैं क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने को। क्या हुआ भोला? भोला का क्या हुआ फाइनली, वो भोला गया का? भोला भोला अभी मुझसे बात करता है तो बोलता है भैया बहुत अच्छा हुआ आप दुर्गापुर छोड़ दिए, ठीक है आपका जो अच्छा, नुकसान हुआ वो तो अच्छा बात है, लेकिन आप उसके चंगुल से निकल गए वही बहुत बड़ी बात है। और भोला अभी भी वहीं रहता है? अभी भी वही रहता है उसका, तो घर ही वहां पे है तो वो छोड़ नहीं अच्छा, सकता। और ये भोला ही था ना जिसने आपको मिलाया उससे? हाँ हकीकत में तो भोला ही ने ही उससे मिलाया था मुझे। कभी कभी मैं उसको पिंगल मार भी देता हूँ कि भाई तूने ही बर्बाद किया मेरे को, मैं तो अच्छा खासा कमा रहा वही, इसीलिए मैं भोला को ही ढूंढ रहा हूँ कि जैसे आपकी था। कहानी में कि वो गया कहाँ, उसी ने मिलवाया और गया कहाँ फिर? नहीं अच्छा बंदे ने मेरे को समझाया, जब उसको भी उतना क्लियर कट नहीं था, वो सोच अच्छा, रहा था कि इसने उसका भला हो मैं जाए। थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग भूल गया कि इसने इसने बात कराई क्यों थी आपकी? इसने बात करवाई थी, इसने मेरे को बोला कि उस लड़की का एक लड़का था, बॉयफ्रेंड था CISF का, जिसकी एज 28 थी, और उस टाइम में इस लड़की की एज थी 19। हाँ मयंक रमेश रमेश पोद्दार, मयंक नाम का लड़का था, CISF दुर्गापुर में है, वहां पे वो पढ़ाई करता था, और शायद उसको वहां पे जॉब भी मिल गया था, शायद कंफर्म नहीं हो लेकिन शायद। तो वो बंदा उससे बात करता था, उससे फ्लर्ट वगैरह किया, उसके रूम पे आके शायद मिला विला, क्या किया क्या नहीं, फिर वो अचानक से उससे बातचीत करना बंद कर दिया। अच्छा, और इसी चीज को भोला ने मुझसे यही बताया कि वो थोड़ा सा मतलब मेंटली प्रेशराइज रहती है मैंग के लिए, उससे बात करना चाहती है और उससे छोड़ना भी चाहती है। तो अगर आप बात करोगे उसको समझाओगे, क्योंकि मैं मतलब स्टार्टिंग में अभी तो मैं थोड़ा दिमाग से बहुत कमजोर हो गया हूँ, वरना मैं अच्छा मतलब समझाने में तो मैं माहिर था भाई, मैं स्पीच देने बैठू तो अच्छे अच्छे को समझाता था। मतलब फिर कि भाई मैं बताता हूँ क्या था इनका। इनका ये था कि हम लोग एक एक घंटे बैठ करके इनके पास नॉलेज लेते थे चीजों के बारे में। ज्ञानी थे ये एक टाइम पे, मतलब अभी भी ज्ञानी है, हमारे लिए तो बड़े ही हैं, बट स्टिल अभी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो अभी इन्होंने कम्प्लीटली बंगाल छोड़ दिया है, और ये ड्यूरिंग दिस पीरियड जब ये चल रहा था तो उस टाइम मैं गाँव गया हुआ था। उस टाइम पे मैंने भी इनको बहुत समझाया था कि भाई छोड़ दो ये सब मत करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं तुम्हारे। और उसके बाद बहुत, और इनका एक्चुअली इनके इनका बहुत बेनिफिट भी उठाया लोगों ने इन सब चीजों को लेकर के, अच्छा, मतलब जो ही आता था बना के चले जाता था, ऐसा सीन था उस टाइम पे। तो बट अब हो गया सब कुछ, चैप्टर 1 साल, मतलब लिटरली 1 साल तो हम किसी ने इनका फेस तक नहीं देखा, 1 साल ये घर से नहीं निकले थे। कितनी शादियां हुई गाँव में, फंक्शन हुए, हम लोग गए यहाँ से, सब कुछ अटेंड किया हमने। ये होता था कि भाई ऋषभ भाई कहाँ है, ऋषभ भाई का पता ही नहीं रहता था, ऋषभ भाई घर पे बंद कमरे में पड़े हुए। और ये लड़की ने, ये सोचो कि लड़की ने इस्तेमाल भी कर लिया इनका फिर, और उसकी तो वापस से रिकवर हो गई, सब जो इज्जत उसने गवाई आप दी वो तो समझो रिकवर हो कि गई। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि इनने जब यहाँ पे मुंबई आए थे स्टार्ट में, ये
आज से 4-4.5 साल पहले आए थे मुंबई, ठीक है, 5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, तो भाई ऐसी नॉर्मल एक्सपीरियंस लेने आए थे, तो ऐसी नॉर्मल जॉब वगैरह करते क्योंकि डायरेक्ट ये बिजनेस नहीं संभालना चाहते थे। इनका मन था कि भाई मैं थोड़ा सा देख लूंगा कैसे क्या होता है, मार्केट क्या है, देन उसके बाद मैं अंकल का बिजनेस पूरा संभाल लूंगा, पापा का वो ट्रांसपोर्ट वाला। तो 1.5-2 साल यहाँ पे काम किए थे मुंबई में, फिर ये गए थे वहां पर वेल सेटल्ड, मतलब हम लोग एग्जाम्पल देते थे कि भाई देखो ऋषभ भैया आए थे यहाँ पे, इतना बढ़िया काम वाम किया है, आज पूरा बिजनेस उन्होंने अपने ऊपर संभाल लिया है, सब कुछ वो देख रहे हैं, चीजों को संभाल रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद 2 साल, 2 से 3 साल के पीरियड में ये सारी घटनाएं हुई 3.5 साल में, और उसके बाद वो सब कुछ वाइप्ड आउट हो गया। मतलब इनकी अच्छी खासी कमाई थी ट्रांसपोर्ट से जहाँ पे ये काम करते थे, मतलब इनका इनका ही था एक्चुअली वो, पूरा परिवार का ही बिजनेस है इनके तो। लेकिन अभी फिलहाल ये फिर से मतलब पूरा बंद हो गया, 1 साल बाद पूरा आइसोलेटेड थे, अभी आए हैं मुंबई, थोड़ा अब थोड़ा घूमेंगे घूमेंगे फिर जॉब वगैरह अपना। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मतलब रिकवर हो गए उससे, वही बहुत है। और दूसरी बात कि कुछ मेरे फॉलोअर्स पूछ रहे हैं, तो ऋषभ भाई से एक सवाल कर रहे थे कि वो निक्की अभी कहाँ गई। निक्की वही दुर्गापुर में ही है भाई उसके अच्छा साथ, उसके भाई भाई ने उसके लव मैरिज शादी कर ली है, और वो भी इसी फिराक में है जैसा लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि अभी भी मेरे लड़के वहां पे हैं, तो लोगों ने मुझे बताया कि भैया वो भी उसी फिराक में लव मैरिज। मैं बोला अच्छी बात है भाई, अच्छा जिसको चलिए, मिले। आप मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देता हूँ भाई, आप भोला से भी बातचीत बंद कर दो। किस भोला से? भोला से हाँ, ये भोला ही आपको रिकॉल करवाता है, तो आप भोला से बातचीत बंद कर दो, तो वो चैप्टर तो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। फिर की भाई भोला से मैं मिला था, मैं आपको बताता हूँ, मैं बनारस गया था एक बार दर्शन करने, वो गिरगिट है पता है, गिरगिट पूरा, मैं मतलब उसको बंदा, समझ गया पहले, हाँ उसने वो बंदा बातचीत गिरगिट करवा है। के मैं और बातचीत बनारस बंद में, कर दी। वो एक फैमिली आई थी बनारस बंगाल से, ठीक है, वो हमारे साथ एकदम घाट पे मस्ती कर रहा था, मजाक कर रहा था, और ऐसे छोटा सा है, और मैं सब लोग गए थे यहाँ से, ऋषभ भैया मैं बहुत सारे लोग गए थे दर्शन करने। एंड वो जैसे ही वो बंगाली फैमिली आई थी, शायद उनके मतलब कोई सीनियर वगैरह अंकल वगैरह थे कोई, तो साथ में था उनके, जैसे ही वहां उनके रूम पे वो पहुंचा ना, तो मैंने उसका फेस देखा, वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे पूरे संसार का दुख इसके चेहरे पे है उस टाइम पे, अच्छा, एकदम एक्टिंग करने लगा कि अरे ऐसे ही मैं तो लोग फंस गया होते हैं, था। हाँ और ऐसे ही लोग होते हैं, और ये मतलब प्रॉब्लम में आपको बीच में डाल के और निकल जाते हैं। और केशु, एक ऐसा ही मेरे साथ भी, मैं बताऊं, एक इंसिडेंट था मेरे साथ भी ऐसे ही। ऐसा तो नहीं था कुछ मतलब ये वाला जैसा इनका था, कोई अफेयर अफेयर का। ऐसे ही एक बंदे ने क्या करा कि मेरे को एक फैमिली से मिलवा दिया, करीब 8-10 साल पुरानी बात है, मेरे को एक फैमिली से मिलवा दिया। और वो फैमिली केशु मतलब इतनी गरीब कि उनके पास खाने को भी नहीं, ठीक है। तो मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची थी उनकी, तो उनसे मिलवा दिया। और उस फैमिली ने पता नहीं मेरे ऊपर केशु क्या कर दिया कि मैंने उस फैमिली को हेल्प करते करते कम से कम आज से 8-10 साल पहले, कम से कम मैंने उन्हें कभी 2,000 कभी 5,000 देके 4-5 लाख रुपए दे दिए 2 साल। और जिस बंदे ने मिलवाया था उसने तो पता नहीं कब से ही उनसे मिलना भी बंद कर दिया, बात भी बंद कर दी। और वो फैमिली ने पता नहीं क्या ऐसा कर दिया था कि मैं उनकी हर बार हेल्प कर देता उनका, मतलब तू समझना, मैंने उनका हर अरे मैं समझ खर्चे से रहा हूँ, ऐसा लेकर होता उनका है, घर भी होता मैंने है। ही चलाया, उनका मैंने 2 साल घर चलाया, मतलब सब कुछ उनका। तो वो कुछ ऐसा हो जाता है जो ये बोल रहे थे ना कि लगाव हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो वो जरूरी नहीं कि मतलब सिर्फ मतलब आप किसी लड़की से किसी लड़के का ही होगा, किसी परिवार पे भी आ जाता है, किसी पे भी दिल आ जाता है इंसान का कि हाँ ठीक है यार इनके लिए कर देंगे। हाँ होता, इनके साथ भी वही हुआ था ना, वो इमोशनल उसमें फंस गए थे उस टाइम पे, और वो टाइम पे भी ये जब मैं गया था गांव पे, तो ये मुझे बताते थे कि यार वो अचानक से ना उसकी आवाज चेंज हो जाती है बात करते करते, फर्स्ट बंदा मैं था, मैं बहुत क्लोज था इनके हमेशा से, तो ये मुझे बताते थे उसकी आवाज चेंज हो जाती है, वो ना कलमा पढ़ने लगती है उर्दू में, मतलब दूसरे लैंग्वेज में बात अच्छा करने लगती है, दूसरे तरीके से बात करने लगती है। और आप समझो कि मतलब जैसे हम लोग एक वो होता है ना लेवल, हम लोग तो बहुत सीधे, हमारे यहाँ पे मैं बहुत सीधे बंदों में काउंट किया जाता हूँ, आप समझ लो कि हम मेरे 10 गुना है ये, जिस हिसाब से इनका अच्छा व्यवहार था गाँव पे। हाँ तो मैं तो बहुत सीधा हूँ उस हिसाब से, लेकिन फिर भी सोचो इनको कोई गाली दे रहा है उल्टी सीधी और ये सुन रहे हैं सामने से, तो इसका मतलब यही था कि तो वही वही होता है भाई। और ऐसे ही मतलब एक माइंड कैप्चर हो जाता है यार इन चीजों में, इंसान फंस जाता है बीच में, निकल नहीं पाता है। मुझे भी बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि मैं भाई मैं आपको फिर क्या की कर भाई रहा मैं हूं। बताता हूँ, मैं हम लोग ठंडी के टाइम पे, मतलब गांव की ठंडी आपको पता है, हम लोग एक लोकल तांत्रिक के चक्कर में फंस गए थे, वो मादरचोद हमको 6 महीने घुमा रहा था कसम से, मैं लिटरली मैं वो बंदा था जो इनको बाइक से लेके जाता था,
और मैं स्वेटर पहन के ओस पड़ती रहती थी ऊपर हमारी, रात को 11 बजे 10 बजे मेरे घर पे आते थे। तो उस टाइम में क्लास 12th में था, 12th नहीं 12th थी सॉरी, ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा उस टाइम पे, मैं गाँव गया हुआ था ठंडी में। तो ये आते थे बाइक लेकर के और पैदल लेके आते थे बाइक, कोई सुन ना ले। फिर हम लोग गाड़ी पे बैठ के उस जाते थे वहां पे उस लोकल तांत्रिक के पास, वो हमको 1.5 घंटे ज्ञान देता था कि ये करना है वो करना है, ये ऐसे करना है वैसे करना है। तो हम लोग ये सब चक्कर में बहुत पड़े थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें जब समझ में आने लगी कि नहीं भाई सब चूतिया ही बना रहे, तो फिर सब ट्रैक पे आ गया। अभी तो सब बढ़िया है, अभी तो कुछ नहीं ऐसा, इनका भी सब बढ़िया। अभी तो खुद भी समझ गए हैं कि क्या क्या सही है क्या गलत है। बहुत अच्छी बात है और मजा आ गया ऋषभ भाई, आपने मजा तो क्या बोले, लेकिन एक ये था कि भाई कोई इंटरेस्टिंग कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने खुद का इतना पर्सनल बता भी दिया, वही बड़ी बात है, क्योंकि कोई शेयर नहीं करता यार अपनी इतनी पर्सनल बातें। एक्चुअली तो इनका सोशल मीडिया से कुछ लगाव है नहीं। हाँ, इसीलिए उन्होंने कर भी दिया, केशु अगर वो हमारी जगह होते तो शायद पूरी बात नहीं बताते कभी। हेलो, मैं तो कुछ पूछ सकती हूँ ऋषभ भैया को? हाँ 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 बोलिए जी ना। बोल सकते हैं। हाँ, फिर के भैया ने जो बोला ना, जो ऋषभ भैया को सोशल मीडिया पे ऑन होने को, मुझे लगता है मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से का अगर निकी किसी भी तरह उससे बात करे तो पता नहीं फिर मतलब ऋषभ भैया का माइंड चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है ऋषभ भैया जो पहले वो मोटिवेशन स्पीकर थे, सो मुझे लगता है उनको फिर से अपने आप पे नजर देना चाहिए, मतलब अपने आप में फोकस करना चाहिए। तो और नहीं फैमिली पे एक्चुअली ऑल्सो बोल भले रहे, बस तो इनके पास अब टाइम नहीं है सब चीजों के लिए ना, इनका टाइम बहुत निकल चुका है, सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे ये। हाँ सो अपने आप पे फोकस करना चाहिए, सो उससे ज्यादा फायदा होगा। चलिए केशु, मतलब ऋषभ भाई को बहुत बहुत थैंक यू, आज के शो स्टॉपर वही थे कि हाँ एक्चुअली ऋषभ भाई के आने से बहुत ज्यादा ही मतलब इंटरेस्टिंग हो गया। और कोई और है भाई किसी को सुनाना हो तो? वैसे तो ढेरों मीम्स बन गए हैं केशु ऊपर हाँ, मैंने ऋषभ भाई देख को, लिए, पता नहीं चूतियों ऋषभ भाई बड़ा को भाई है समझ मेरा। आएंगे, ऋषभ भाई को पता नहीं समझ आएंगे या नहीं, लेकिन वो ढेरों बना दिए लोगों ने, तो उसके लिए सॉरी ऋषभ भाई, मैंने हमारे पहले ही बोला पास था ये इनको कि वो पक्का मीम मीम बना देंगे लोग। वो हमारे पास इसमें की ऑडियंस है कि वो तैयार रहती है मीम के साथ हाथों हाथ, और थोड़ा सा ह्यूमर डाल देते हैं यार बीच में, ताकि एकदम कोई सैड ना हो, कोई अपसेट ना हो। और बाकी ठीक है भाई, कौन और है तो सुनाना चाहता है तो बिल्कुल सुना सकता है। कोई है हमारे साथ अभी? केशव है एक, केशव आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। केशव है, ऋतिक है, एंड ये लड़की हैं जो जिन्होंने अभी कोई ओपिनियन दिया था, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता लग रहा क्या है। केशव हाँ जी भाई। भैया, मैं बोलना चाहता हूँ एक बात कि जब भोला भैया ने बोला था कि मेरे को सुबह आकर 2 थप्पड़ मार लेना, तो वो वाला सीन उस वक्त क्या हुआ था? जाके मिले नहीं थे वो? नहीं यार, बहुत सीधा साधा लड़का है वो जो है। और मतलब मेरा ये हिसाब था कि यार मतलब जो मिल जाए, आज भी है ऐसा नहीं है, हुआ जो हुआ ठीक है। मेरा एक ये भी मानना है कि ठीक है, हो सकता है मेरा ही कुछ ग्रह दिशा खराब हो भाई, अभी होना था तो हो गया, अभी क्या कर सकते। आज भी अगर कोई सही मिलेगा तो मैं सही हेल्प करूंगा, बस फर्क इतना आया है कि अब मैं लड़कियों की हेल्प नहीं करूंगा। अभी मैं लड़कों वो बंगाल नहीं का जाना क्या? भाई, आपको बंगाल नहीं जाना है ऋषभ भाई, एक बात याद रखो, अपने को बंगाल नहीं जाना मैं बंगाल से हूँ। है। आप भी आ हाँ जाओ अच्छा उत्तर प्रदेश। अच्छा हुआ मैम आपने बता दिया हाँ देख लो सुनना, भाई, हम और भी बोलने वाले थे बहुत सारी चीजें, सतर्क हो जाएंगे लड़के। काफी पर्सनल सुना है, मतलब कि काफी इमोशनल भी था। अब फिर की भाई ये सारी चीजें मेरे आंखों के सामने हुई है, मतलब मैं बंगाल तो नहीं था, लेकिन ये घर पे आते थे तो बताते थे हमको ये सारी चीजें कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। कितनी अब मैं बताऊं, इन्होंने बोला कि मैंने उस लड़की के बाप से बात करी, तो वो पर्सन मैं ही था जिसने इनको कनेक्ट किया था उसके बाप से। पिताजी का रिकॉर्डिंग है मेरे अच्छा। वो मेरे को बोलता है, अभी एक दिन मेरे को फोन किया, अभी हाल ही में बोलता है कि बेटा, बोला हाँ, बोलता है कोई कांड किए हो क्या?
बोला अंकल मैं क्या कांड करूंगा, मैं तो यूपी आ गया हूँ अभी। हाँ बोलता नहीं निक्की का कोई फोटो वोटो वायरल हुआ है। बोला अंकल आपको पहले समझ जाना चाहिए था, आपको तो पहले समझ जाना चाहिए था सब, आपको तो पहले ही मालूम होना चाहिए था वो बीमार है, उसको आप दिखाए विखाए है नहीं कभी। तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया। बोला ठीक है आज के बाद मेरे को फोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना झेल लिया हूं मैं आपकी बेटी के चक्कर में ना कि अब एक भी सेकंड मैं झेल नहीं पाऊंगा। और कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन आपकी बेटी के मतलब बहुत सारे पर्सनल चीज मेरे पास हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो दूं और ना चाहते हुए भी मैं कर दूं, क्योंकि उसने तो मेरे को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। लेकिन ऋषभ भाई, आपकी मैं हिम्मत की दाद दूंगा कि आपके साथ ये इंसिडेंट जब हो गया, जब वो मतलब आवाज बदल के बात कर रही है और खिड़की दरवाजे खोलने का हाँ बोल रही भाई है आपको, हाँ उसके भाई बाद भी आपने कंटिन्यू उससे रात को वो घूम घूम के तो बात की। हाँ वो तो कुछ भी नहीं है भाई। जब मतलब उसने मेरी बीवी को कॉन्फ्रेंस किया था ना उस दिन, मतलब मैं था कि नहीं था मेरे को तो लग रहा था मैं मर गया था उस दिन। मतलब मैं खुद को, एक होता है ना खुद को आदमी होता है ना कि भाई किसी की भी निगाहों में गिर जाओ ठीक है चलेगा, अगर खुद की निगाहों में गिर गए ना फिर पॉसिबल ही नहीं है उठना। तो मैं उस दिन अपनी निगाहों में गिर गया था। मतलब तकलीफ था कि कोई मेरे ऊपर भरोसा करके पूरी लाइफ, सही सही गर्लफ्रेंड बात आएगी है, जाएगी वो पूरी लाइफ के लिए मेरे ऊपर आई है, तो उस सही दिन बात है। बहुत तकलीफ हुई थी। हालांकि भगवान मतलब भाई बहुत साथ दिए हैं मेरा, इतने के बाद भी आज भी अगर मैं अपनी बीवी को डांट देता बहुत हूँ, बहुत बड़ी बात है भाई कि मतलब घर वाले अभी भी आपके साथ में, वही हाँ बड़ी बात साथ है में वहां तो। सबसे बड़ी बात है कि भाई मतलब अपनी बीवी को आज भी मैं अगर डांटता हूँ, क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं भाई मैं देख रहा हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ मुंबई दिल्ली हर जगह मैं जाता हूँ, आज की लड़कियों को मैं देखता हूँ मतलब बर्दाश्त नहीं करती, वो फटाक से जवाब आएगा उनका। ठीक है आप मैरिड हो जाते हो फिर भी वो जवाब दे ही देती हैं, लेकिन आज भी ये कंडीशन है कि अगर मैं अपनी बीवी को डांट देता हूँ तो आवाज़ नहीं निकलती। तो ये सोच के भी मैं थोड़ा सा गिल्ट होता है कि यार मतलब क्या हो गया था मुझे। नहीं, भाई अब जो हो गया हो गया, आप तो बस अब अपने घर पे ध्यान दीजिए भाई, और जो हाँ बिल्कुल आपने तकलीफें दी है भाभी जी को वो दूर करिए, हाँ वो क्योंकि दूर आपको करो बिल्कुल मतलब कम से कम 10-20 साल भी आप वो आप डांट रहे हैं, वो भी गलती कर रहे हैं। हाँ जी 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 अगर वो आपको उतरेगा नहीं मार भी वो। देना 10-1 साल तक, अगले 1-1 साल हाँ तक रोज रोज भी मारे तो भी कम ही है वो, हाँ कि बराबर है आपने इतना ज्यादा गलत किया है। हाँ जी जी तो जी ठीक बिल्कुल है, बस आप इस पे अपने घर परिवार पे ध्यान दीजिए भाई, और कोशिश करिए कि अब ऐसा दोबारा ना हो। और दूसरी बात, उसको दोबारा ना होने की नहीं, अभी तो फिलहाल तो आपको ये जरूरत है भाई कि आप अपने घर वालों के लिए, उनके लिए मतलब कुछ ऐसा करिए कि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई आपके इनके लिए अपन कर रहे हैं, तो जो गलत हुआ उसका रीपे कर रहे हैं एक तरीके। बस भाई बस अभी जान लो 1 साल मैं इसीलिए घर पे था कि मैं जब अब उठूंगा तो मैं फिर से वहीं बैठूंगा जहाँ पे मैं था। और इसके लिए मुझे मतलब खुद को बंद करना बहुत, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ जब तक मैं बंद नहीं करूंगा तब तक मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। मैंने 1 साल खुद को बंद करके सिर्फ ये सोचा कि बिल्कुल मैंने क्या बिल्कुल भाई, क्या और किया। मैं तो यही बोलूंगा बस भाई आपको कि ऑल द बेस्ट। आप कोशिश करिए कि जो हुआ उसको भुला के और वापस से एक बार खड़े होइए, बस भाई और आप घर वालों का ध्यान रखिए भाई, हाँ ये सब जी मत जी करिए प्लीज। हाँ जी 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 बिल्कुल। अभी अपने साथ में ये है ऋतिक है एंड अविनी करके एक ऋतिक आई मैम। थिंक कुछ बोल नहीं रहे, ऋतिक पोद्दार आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ भैया हमको कुछ पूछना था। हाँ जी सर, नहीं मतलब 10 बजे के आसपास पानी थोड़ा ज्यादा पी लेते और हमको सुसु करने जाना है तो, और डर भी लग रहा है बहुत ज्यादा, तो मतलब कैसे स्टोरी हो? भी हम सुनाएं और ये जुगाड़ भी हम करें। फिर ये तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। की भाई देखो भाई तो दरवाजे खिड़की मत खोलना ऋतिक जी, डर वर तो अपनी जगह ठीक है, ठीक है निक्की आ जाएगी मैं बता रहा हूँ। हेलो ऋतिक रुको 1 मिनट, वो ऋषभ को जाने नहीं दो किसी को 1 मिनट। आई रियली वांट टू थैंक हिम, बहुत बहुत ही बढ़िया, सच धाकड़ पर्सन बाबा। और मुझे खाली ये पूछना था कि कुछ तुमने अपना भी कुछ उतारा उतारा कराया कि ऐसे ही तुम नॉर्मल हो गए, मतलब सिर्फ अपने आप को बंद रख के और सोच सोच के। नहीं जी मतलब भगवान से मेरा हमेशा से ही लगाव रहा है और मैं खुद से भी थोड़े बहुत चीज़ें करता हूँ। हाँ अभी ये नहीं कि मैं तांत्रिक हूँ लेकिन हाँ ये है कि
मतलब बहुत ज्यादा लगाव है भगवान से, बहुत ज्यादा, मतलब कि मुझे लगता है कि मैं जब भी 4 साल पहले, 3 4 साल जब तक मैं निकी के कांटेक्ट में था, तब तक ये चीजें मेरे साथ नहीं होती थी, लेकिन उसके पहले ये कंडीशन था कि मैं जैसे अगर कुछ बोलूं तो 90% वो होना ही है। मेरे प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होते थे, शायद इसीलिए लोग लेकिन मुझे तुमको एक बहुत ज्यादा बात ही मैंने मानते भी थे, नोटिस किया। हाँ मेरे साथ ऋषभ, रहने के उसकी लिए छोटी सी बात परेशान रहते थे। बोलूंगी। जैसे तो खुद को बंद किया, खुद को देखा, और बहुत ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान दिया, खुद को जितना ज्यादा शांत रख सकता था, क्योंकि जब भी मैंने खुद को बंद किया था तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था। मतलब कंडीशन ये था कि मैं या तो फिर खुद को मार दूंगा, या तो फिर जो मेरे से बहस करेगा मैं उसको मार दूंगा। मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता एकदम खत्म हो चुकी थी। किसी की कोई भी बात, अच्छी से अच्छी बात, मुझे बुरी लग जाती थी। यहाँ तक कि केसु या कोई ऐसा छोटा भाई भी अगर कुछ बोलता था तो बहुत तीखा जवाब रहता था मेरा। तो मैंने खुद को बंद किया, ये बहुत गहराई एक से छोटी झांका सी बात एक मैंने एक। बहुत नोटिस किया, जो 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 मैंने ये स्टोरी सुनी ऐसे वाली, कि जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं या ज्यादा ओपन टू द डिवाइन होते हैं, इनके साथ में ये ज्यादा होता है। ऐसे तुम लोग को नोटिस नहीं होता है क्या? मैंने पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है, आई डोंट नो, जी, ये मेरा ओपिनियन हाँ, है, तुमको ऐसा लगता है? मेरी थिंकिंग जो है मेरे हिसाब से, आप जब तक किसी की चीज़ को जानते ही नहीं हो, ठीक है, तो फिर वो आपके पास आएगा ही नहीं। और अगर आप उसके बारे में थोड़ा भी जानते हो ना, तो फिर वो आपको और बताने की कोशिश करेगा ही करेगा, ये 100% है। और अगर उस कंडीशन पे आप अगर उससे थोड़ा भी डरे, थोड़ा भी सहमे, तो फिर वो धीरे धीरे हावी होता चला जाता है। इस कंडीशन में आप अगर थोड़ा सा, कोई भी बंदा हो, जैसे अभी मैंने देखा कि एक दो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को डर लग रहा है, भाई आप मतलब डरने का नहीं, किसी से भी नहीं डरने का। और अभी तो मतलब कुछ लोग होते हैं कि खोने का डर रहता है। मेरे साथ ये हो गया था कि मैं सोच रहा था कि यार मेरे को कोई मार दे, जान से मार दे, अभी मार दे तुरंत, मतलब जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, और ना ही कोई मेरे को हाँ नहीं, मारने नहीं के लिए सही, तुम आया। ठीक रहो, और प्लीज टेक केयर ऑफ योर वाइफ, शी इज बीन विद यू थ्रू ऑल जी दिस, जी जी सो जी हैव जी अ गुड लाइफ। या थैंक यू सो मच, और तुम्हारी स्टोरी टेलिंग तो बहुत ही बढ़िया थी सच्ची में, पूरा बांधे रखा इतने टाइम, अदरवाइज आई कीप स्किपिंग टू डिफरेंट स्पेसेस। थैंक यू, थैंक यू, सो थैंक यू फिर की बिग फैन, थैंक यू फॉर द माइक, बाय बाय, गुड नाइट। केशु भैया का और ऋषभ भैया का आवाज एकदम सिमिलर है, और दोनों लोग का वॉइस काफी अच्छा पूरे है। खानदान स्टोरी का जैसा हाँ, है। पूरा विरासत में मिली हुई एकदम अभी 4 5 स्टोरी टेलर लेटे हुए हैं यहाँ पे एक्सलेंट। नीचे। अरे वो खराटे की आवाज आ रही थी। हाँ, उनको भी नहीं, हम लोग ऐसे ही एक्चुअली ये आए थे तो मुझे मिलना था इनसे, तो मैंने इनको, इनने मुझसे पूछा, मैंने इनसे ये बोला स्टेशन पे कि भैया मुझे थोड़ा लेट हो रहा है और मैं आपको पिक करके घर चलूंगा, तो फिर मुझे स्पेस ज्वाइन करना, नहीं तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी उसके लिए। तो उन्होंने पूछा क्या स्पेस है, क्या सिस्टम है इसका, तो मैंने बोला कि ऐसा ही होता है वहाँ पे, लोग स्टोरीज बताते हैं, हम लोग ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि आपको कुछ नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, बोला हाँ पहले तो मम्मी का हुआ था ऐसा, तो मैंने बोला कि हाँ तो आपको तो पता होगा। फिर उसके बाद मम्मी का, इन्होंने मुझे पहले, इन्होंने ये दोनों स्टोरीज मुझे ये बता चुके हैं ड्यूरिंग द स्पेस, जब ये चल रहा था 12 बजे के आसपास, हम लोग खाना खा रहे थे, तो उन्होंने दोनों स्टोरीज बताई, तो मैंने एक और बताई थी एक दो, तो मैंने ये दो निकाली कि आप ये दोनों सुना सकते हो। एक्चुअली ये एकदम रियल थी, तो वहाँ पे कहीं पे स्क्रिप्टेड पता नहीं चलता ना, कि अगर स्क्रिप्टेड रहती तो पता चल जाता है, क्योंकि बात अटकने लगती है। और अगर रियल रहती तो आपके पास 1,000 चीज़ें होती है जिसमें से आप 100 चीज़ें बता पाते, 900 चीज़ें नहीं बता पाते। तो एक्चुअल रियल स्टोरी थी, तो हम लोग ने भी देखी है, मेरी आंखों के सामने देखा मैंने ये सब होते हुए। हाँ, एंड फिरकी कैचेस हैं इन बिटवीन, कौन से साल में ये हुआ, कौन से ये तुम यहाँ कहाँ गए थे, तो ही फॉर क्रॉस क्वेश्चन, तो फिर अगर मैम झूठ हो तो पता चलता है। मैम एक्चुअली क्या है कि मैंने तो इनको 2020 से 2021 में देखा ही नहीं, मतलब